नमस्कार, आप देख रहे प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर तहसील कोर्ट से आ रही है। सावन के प्रथम सोमवार को मंदिर में नहीं दिखा श्रद्धालुओं की भीड़, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। कोरोना जैसी महामारी, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में सावन के प्रथम सोमवार को शंकर जी के मंदिरों पर नहीं दिखी भीड़। 11 श्रद्धालु आते, महिला एक एक करके आती, मास्क का प्रयोग कर रही है। कोच की प्रसिद्ध मंदिर जैसे भूतेश्वर, महाकालेश्वर, जलेश्वर, बटेश्वर आदि मंदिरों में भीड़ देखने को नहीं मिली। भोलेनाथ जी को स्नान कराकर तिलक पूजा करके अपने घर को वापस जा रही हैं। ये देखने को मिला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। जी आज तो सावन का प्रथम सोमवार पड़ा है, इस पर क्या कहना है आपका? ये आज लॉकडाउन की वजह से भीड़ कम हो रही है, एक लेडीज जा रही है मंदिर ढालने, और हर साल की वजह से इस साल अच्छा नहीं माना। अच्छा, तो मतलब ये मंदिरों पे भीड़ देखने को नहीं मिल रही है? नहीं। मतलब कितनी लगभग कितनी संख्या में आती हैं औरतें? एक आधी का डेढ़ सारी है। अच्छा। जी आज सावन का प्रथम सोमवार है, इस पर मतलब आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो है कोच नगर में, गांधीनगर में स्थित महाकालेश्वर का स्थान है, इसे नायक के मठ के नाम से भी जाना जाता है। जी यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, किंतु कोरोना वायरस के चलते ये भीड़ नहीं हुई है, लेकिन आसपास के लोग फिर भी एक एक करके आ रहे हैं और अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग के तहत उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम भोले बाबा की सेवा में चल रहा है और शासन के मनसानुरूप पुजारी जी और अन्य भक्तगण पूरा उसका अनुपालन कर रहे हैं और इसी के अनुरूप पूजन अर्चन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपका नाम सर? जी मेरा नाम मनोज कुमार बधौलिया है, मैं यही पास में गांधीनगर में रहता हूँ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।